देखिए आज ये बड़ा अच्छा समा था और सभी लोगों ने सब बहुत बड़े बड़े कवि यहाँ मौजूद और आज जो उन्होंने समा बांधा वो विभिन्न रंगों का था। हम लोग प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने इस बार एक दिशा देने का प्रयास किया। हम लोगों ने वाकई समाज को इस वैलेंटाइन डे को एक नया रूप देने का एक प्रयास किया है कि जिस तरीके से मैं ये देखता हूँ कि हमारे युवा इस वैलेंटाइन डे को एक श्रद्धा के रूप में नहीं मनाते, तो हमने जब इस प्रथा को रखने की कोशिश करी है कि इस दिन से आगे युवा भी जितने हैं वो ना सिर्फ वैलेंटाइन डे पे तैयार होके, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सुबह ही सुबह अपनी बुलेट चमका के, मोटरसाइकिल चमका के और पूरे दिन लड़कियों के कॉलेज के बाहर चक्कर लगाते हैं, काफी दिनों से गिफ्ट पैक करवाते हैं और उनको गिफ्ट देते हैं बिना ये देखे कि उस गिफ्ट की क्या वैल्यू है और उस वैल्यू के पैसे की उनके पेरेंट्स के लिए क्या वैल्यू है। तो हम लोग इसी बारे में बहुत चिंतन कर रहे हैं और चिंता, मुझे बहुत चिंता है ऐसे लोगों की। तो मैं आपको चिंता के ऊपर बताता हूं कि चिंतन की राह पर बढ़ते देख चिंता में देह में पैर पसारे, चिंतन की राह पर बढ़ते देख चिंता ने देह में पैर पसारे और पंच तत्व में हो गए विलीन, जाने कितने चिंतित बिचारे। आदमी आज आदम घोर बन गए, आदमी आज आदम घोर बन गया और बाघ बन गया शाकाहारी, आदमी आज आदम घोर बन गया और बाघ बन गया शाकाहारी, आदम का ही अब शिकार करने को घर से निकलते हैं शिकारी, आदम का ही शिकार करने को अब घर से निकलते हैं शिकारी, मानवता आज शर्मसार है वासना लिप्त देख देख इशारे और पंच तत्व में हो गए विलीन, जाने कितने चिंतित विचारे। चिंतित है वो बाप जो परिवार का बोझ ढो रहा है, चिंतित है वो बाप जो परिवार का बोझ ढो रहा है, पर क्या बाकी के परिवारी जन का जमीर मौत की नींद सो रहा है। चिंतित है वो बाप जो परिवार का बोझ ढो रहा है, पर क्या बाकी के परिवारी जन का जमीर मौत की नींद सो रहा है। श्वान समान वो पुत्र है जो ना बाप के कंधे से बोझ उतारे, पंच तत्व में हो गए विलीन, जाने कितने चिंतित बिचारे। प्रार्थना है प्रभु तुमसे ये कि, प्रार्थना है प्रभु तुमसे ये कि फिर से अब अवतार लो, प्रार्थना है प्रभु तुमसे ये कि फिर से अब अवतार लो, मानवता और आत्मीयता के दुश्मनों को मार दो। प्रार्थना है तुमसे ये कि फिर से अब अवतार लो, मानवता और आत्मीयता के दुश्मनों को मार दो। उठा सकेंगे अपना मानसिक स्तर सुन के अमृत वचन तुम्हारे, पंच तत्व में हो गए विलीन, जाने कितने चिंतित विचार। पुलवामा के लिए जो अटैक हुआ उसके लिए मैं कहना चाहूंगा, आजकल हम लोग जरा जरा सी बात पे लड़ लेते हैं, जरा जरा सी बात पे खून खराबा कर लेते हैं, तो मैं कहना चाहूंगा कि बहालो खून सड़कों पर मगर इतना तो सोचो तुम, बहालो खून सड़कों पर मगर इतना तो सोचो तुम, वतन जब खून मांगेगा तुम्हारे पास क्या होगा, वतन जब खून मांगेगा तुम्हारे पास क्या होगा। एक बस छोटी सी नज़्म, हम लोग अपने भारत के अंदर हिंदू मुसलमान सिख ईसाई में बटे रहते हैं, एक छोटी सी अपनी लिपि गजल पेश कर रहा हूं।
देखिए ये सम्मान प्राप्त होता है एक शहीद के पिता से। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। यूं तो हर एक शख्स का ईमान निश्चित रूप से उस व्यक्तित्व का सम्मान है जहाँ साहित्य और कविता न्योछावर हो जाती है। और सबसे पहले वो मगर इंसान हो जी ईमान होना चाहिए। देखिए मोमिन कहते हैं मुस्लिम्स को, मोमिनों के जहन में सूरत कन्हैया की रहे, मोमिनों के जहन में सूरत कन्हैया की रहे, मोमिनों के जहन में सूरत कन्हैया की रहे, हिंदुओं के कल्ब में रहमान होना चाहिए। सबसे पहले वो मगर इंसान होना चाहिए, यूं तो हर एक शख्स का ईमान होना चाहिए। ए मयम इस हिंद से, ए मयन इस हिंद से बढ़कर कोई मजहब नहीं, ए मयन इस हिंद से बढ़कर कोई मजहब नहीं, ए मयन किस हिंद से बढ़कर कोई मजहब नहीं, हिंद पे हर शख्स को कुर्बान होना, हिंद पे हर शख्स को कुर्बान होना चाहिए। सबसे पहले वो मगर इंसान होना चाहिए, यूं तो हर एक शख्स को ईमान होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। और आज आप सब लोग आए, मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे सामने और भी बहुत अच्छे, अब समय की अभाव है नहीं तो हमारे सामने बहुत अच्छी कवित्री कंचन जी भी यहाँ पर मौजूद हैं। मैं देखता हूँ कि उनके इतने अच्छी कविताएं हैं और मैं चाहता भी हूँ, लेकिन मैं बहुत क्षमा से कहना चाहूँगा कि समय बहुत हो गया, इन्होंने मुझे ही ढकेल दिया, जबकि मैं इस लाइफ में इतने बड़े मंच के सामने, मैं तो भाई पहली बार अपनी प्रस्तुति दे रहा हूँ, मैंने कभी अपनी प्रस्तुति नहीं दी, लेकिन तो आज के लिए मैं बहुत आप लोगों का धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूँगा प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की तरफ से, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। कार्यक्रम बिल्कुल अंतिम पड़ाव की तरफ है, कुछ पदाधिकारियों का सम्मान होना है और आदरणीय दिनेश कुलश्रेष्ठ जी का भव्य सम्मान होना है, तो मैं चाहता हूं सारे पदाधिकारियों से, और मयंक सर ने मुझसे वादा किया था कि 14 फरवरी को ये कार्यक्रम हर साल हुआ करेगा, एक बार जोरदार ताली बजाइए। तो मैं कार्यक्रम के संरक्षक सौरभ लहरी जी को आमंत्रित कर रहा हूं, वो आए और एक एक कर बारी बारी से कार्यक्रम की जो प्रक्रिया है वो अपने अनुरूप करें। और असलम भाई भी आए हैं, असलम बोला जी, उनका बहुत स्वागत करता हूं मैं। महत्वपूर्ण लोगों का सबसे महत्वपूर्ण हमारे दादा थे, तो सबसे बाद में पड़े, आप महत्वपूर्ण श्रोताओं में से हैं, एक बार भाई साहब के लिए ताली बजा दो नाराज।
बहुत बहुत धन्यवाद विष्णु, काफ़ी अच्छा कवि सम्मेलन जो कि आज डॉक्टर मयंक भटनागर जी के विचार से और हमारा उन्होंने सुझाव, हमने भी कुछ सुझाव दिया, जो कि आज प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने 14 फरवरी की दिशा मोड़ते हुए कवि सम्मेलन का आज रूप दिया है, उसके लिए मैं डॉक्टर मयंक भटनागर जी और हमारे प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के अध्यक्ष को बहुत बहुत आभार धन्यवाद देता हूँ। और आज हम सभी इस प्रांगण में उपस्थित जितने भी लोग हैं सभी का दिल से बहुत ज़्यादा आभार। और हमारे बीच में एक विशिष्ट अतिथि के रूप में श्री दिनेश चंद्र कुलश्रेष्ठ जी, जो कि कैप्टन देवेश कुलश्रेष्ठ, शहीद कैप्टन देवेश कुलश्रेष्ठ जी के पिताजी हैं, और हम सभी लोग मिलकर उनका भव्य सम्मान, तो मैं बुलाना चाहूंगा अपने सभी स्कूल के पदाधिकारियों में जो कि हमारे विशिष्ट अतिथि का सम्मान करें।